इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन, अकेली नहीं हो इस खेल में, मेरे जैसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। Hey guys, welcome my YouTube channel. आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो भाई हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज भाई वीडियो मौसम देखो, पहले तो मौसम चेक करो भाई, कितना बढ़िया हो रहा है, देख रहे हो, ठंडा मौसम हो रहा है इतनी गर्मी के टाइम पे। तो भाई आज की वीडियो में होने वाला है आज जो कि द केरला स्टोरी, आज मैं आपको इसका रिव्यू देने वाला हूँ, जो कि भाई बहुत ही अमेजिंग मूवी है। तो भाई आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, आज मैं आपको द केरला स्टोरी जो कि बहुत ही दिनों से ट्रेंड में चल रही है, आज मैं आपको इसका रिव्यू दिखाऊंगा, जो कि भाई काफ़ी लोगों अभी गए नहीं है मूवी देखने, तो रिव्यू देख के आपको पता लग जाएगा, जिससे कि एक्साइटेड हो जाओगे आप काफ़ी मूवी देखने के लिए, जो कि भाई हिंदू और मुस्लिम के बीच की बात है। बाकी ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, आप वीडियो में बने रहो, वीडियो देखो और स्टार्ट करते हैं आगे। तो भाइयों, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो हैं सुदीप्तो सेन, जिन्होंने भाई 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं इस मूवी में, और इस मूवी में ने एक वीक में 80 करोड़ रुपए कर लिए हैं, जो कि इस वीक अभी दो हफ्ते हो चुके हैं इस मूवी को, पर अभी भाई मुझे इतना पता है कि एक वीक में 80 करोड़ कमा चुकी है। बाकी अभी और चलेगी, ट्रेंड में है मूवी, जो कि इसमें तीन कैरेक्टर हैं, तीन लड़कियाँ होती हैं जिन पर ज़्यादातर जुल्म किए जाते हैं, इन्हीं के थ्रू ये वीडियो पता लग गया हमें। तो पहला था शालिनी जो कि मेन कैरेक्टर है, और दूसरा है गीतांजलि, और तीसरी लड़की होती है उसका नाम होता है आशिफा, जो कि मोमडन होती है। ये तीनों लड़कियों को ब्रेन वॉश कराती है, इनका ड्रग्स देके, मेडिसिन देके, जो कि भाई अपने हिंदू धर्म के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलती है वो, यहाँ तक कि वो राम जी के बारे में भी बोल देती है कि सीता, राम जी जब सीता को नहीं बचा पाए तो हम जैसी लड़कियों को क्या बचा पाएंगे, इसलिए अल्लाह को मानो, अल्लाह सबके ईश्वर एक है और बाकी अल्लाह ही सबकी मदद करता है, ऐसा उसने मतलब सारी हिंदू लड़कियों को बताया तीनों को, जिससे भाई वो एकदम मेंटली उसके काबू में हो गई थी वो तीनों लड़कियां, और उन्होंने भाई अपना इस्लाम धर्म अपना लिया और हिंदू धर्म को त्याग दिया। तो ऐसे जो आशिफा नाम की लड़की होती है, उसके थ्रू शालिनी को एक मोमडन लड़का मिलता है, जिससे इन दोनों में संबंध बन जाते हैं, रिलेशन और ये BFGF जो भी होता है इनका रिलेटिव बन जाता है, और फिर उसके बाद ये भाई उसे अपने प्यार में पागल कर देता है, जिससे वो शादी करते हैं, और ये काफ़ी मतलब दूर दूर जगह जाते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि सीरिया भी जाते हैं। तो हस्बैंड होता है वो ISIS को फॉलो करता है, तो इस वजह से ये सीरिया चले जाते हैं, वहाँ पे ये संगठन में शामिल होते हैं, जिससे कि शालिनी पूरी तरीके से मोमडन बन जाती है, और इसी इस टाइम पे एक युद्ध होता है जिसमें शालिनी का हस्बैंड मारा जाता है, और उन्हीं ISIS के जो ग्रुप का लीडर होता है, जिससे कि इनका शारीरिक शोषण करा जाता है और बहुत ही बुरा अत्याचार करा जाता है इन्हें। 35,000 लड़कियाँ, आप सोच नहीं सकते भाई, इतनी तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या होगी जितने की यहाँ पे कर दिया इन्होंने। बाकी ऐसी है वीडियो में काफ़ी अपने हिंदू धर्म को भी बहुत ही उल्टा सीधा बोला, जो भी जैसा भी, आप वीडियो को देखो भाई, वीडियो बहुत ही अच्छी है, और वीडियो क्या आप पिक्चर जाके थिएटर में देखो, अभी हम गए भी नहीं है, बाकी यश और अर्पित और मैं भाई हम जाके देखेंगे, इसका ब्लॉग आपके ऊपर नया लेके आऊँगा। तो भाई आप ये फिल्म अपने परिवार फैमिली के साथ भी देख सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन दो कि ये वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो से भाई अपने हिंदुत्व जो है वो अपना बचा रहेगा, और अपने धर्म को लेके स्टैंड लो। हाँ, अपने डरा वरा मत करो, नंबर दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भाई बस ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हवाबाजी कर रहा है, हवाबाजी कर रहा है, ओए भाई देख रहे हो मार रहा था। बाकी भाई ऐसी जैसा कि मैंने आपको ये रिव्यू दिया है, आपको अभी ये मूवी के बारे में समझ में नहीं आएगा जब आप अपने सामने खुद देखोगे थिएटर में जाके भाई, या कहीं पे भी आप अपने फ़ोन में, PC में, किसी में भी देखोगे, तो भाई आपको जब अच्छे से समझ में आएगी। और ये वीडियो भाई ज़रूर देखना, ज़रूर देखना, कितना भी भाई किसी पर अर्जेंट काम हो, पर थोड़ी देर के लिए टाइम निकाल के, दो घंटे कुछ मिनट की वीडियो है ये, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है भाई, और अपने दोस्तों को जरूर लेके जाएं, जो कि लफंडर घूमते रहते हैं भाई, कुछ नहीं होने का दो घंटे में। मैं बाकी मुझे भी पूरी डिटेल पता नहीं है, मैं बस आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ, काफ़ी दिन से घर पे बोर हो रहा था तो मैंने सोचा एक रिव्यू बना दिया जाए। तो भाई बस आप, मैं यही कहूँगा भाई, आप जाके वीडियो देखो, बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और भाई जय हिंद, जय भारत।